हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 ये ओपन करो, उसमें आपको ये टॉपिक दिया दिखाई देगा। ओके, सभी ने पेज नंबर ओपन किया 50, सभी को 50 ये पेज नंबर ओपन करना है अपने टेक्स्ट बुक का। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक, इसमें से आपको 50 पेज नंबर ओपन करना है। ओके, सो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर 3 ये हमने स्टार्ट किया था, उसमें से हमने दो टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद अभी आपको क्या पढ़ना है, उसी चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक है आपका प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, सो ये प्लेस वैल्यू और एक्सपांडेड फॉर्म, ये रिपीट आपने ये शब्द सुना होगा, कहाँ पे सुना है पहले, यस फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने ये वर्ड सुना है, प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म। बट वहाँ पे आपने टू डिजिट वाला सॉल्व किया था, एक्सपांडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू। अभी हम इस क्लास में थ्री डिजिट वाला एक्सपांडेड फॉर्म सॉल्व करने वाले। ओके, सो स्टार्ट करें। आप सभी ने पहले टेक्स्ट बुक ओपन किया है क्या? ओके, पेज नंबर 50 रिपीट बता रही हूँ। और अपने पास पेंसिल लेना है और बुक लेना है, नोटबुक लेना है। जब मैं यहाँ पे लिख रही होंगी तो आपको भी अपने नोटबुक में मेरे साथ सॉल्व करना है ये। ओके, सो नाउ लुक एट द नंबर 627। यू ऑल नो दैट आपने लास्ट क्लास में नंबर को कैसे पढ़ते हैं ये पढ़ा था, है कि नहीं पढ़ा था ना, कि इस नंबर का नेम क्या है, क्या है इस नंबर का नेम, 627। अभी इस नंबर को हम क्या करेंगे, एक्सपांड कैसे करते हैं और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है ये हम देखेंगे। ओके, सो आपको अपने पेज नंबर 50 पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ये 627 है उनको सेपरेट किया हुआ है। जैसे अभी देखो 600 मीन्स ये किसकी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है कि नहीं, इसकी प्लेस क्या है, यस 100, मैंने लास्ट क्लास में आपको सभी को बताया था। ओके, सो और इसकी प्लेस क्या है, टेंस है ना, इसकी प्लेस टेंस। चलो क्लियरली लिखते हैं हम प्लेस में जिस नंबर को, चलो ऐसे बॉक्स बनाओ अपने नोटबुक में, हंड्रेड्स टेंस एंड वंस। सो आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उनकी उनकी प्लेस पे लिखना है, 627। इसकी अगर प्लेस वैल्यू आपको पता होती होगी तो ही आपको इसको नंबर को इस नंबर को नेम दे सकते हो। ओके, अगर आपको इस 6 की प्लेस वैल्यू ही पता नहीं तो आप इसको 100 कैसे बुलाओगे, है कि नहीं। जब आप इसकी प्लेस वैल्यू ध्यान रखते हो तो ही आपको इनको नेम देना आता है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इस नंबर को एक्सपांड करना है, मीन्स क्या करना है, खोलना है। ये जो नंबर है इसको अलग अलग करना है, सेपरेट इसमें लिखना है। तो अभी देखो, मैंने आपने पढ़ा होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में कि अगर जिस नंबर को एक्सपांड करना है तो उसको उसके बाद कितने डिजिट है उनको आप क्या कंसिडर करते हो, 0 कंसिडर करते हो। कैसे, अभी देखो ये जो 6 है, 6 के बाद कितने 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, चलो बताओ मुझे, यस 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं। 6 के बाद आपको 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं तो आप इस 2 डिजिट को क्या कंसिडर कर सकते हो, 20 कंसिडर कर सकते हो। कैसे, ये देखो 6, ये जो 2 डिजिट है आप इन दोनों 2 डिजिट को 0 कंसिडर कर सकते हो, मीन्स ये क्या हुआ फिर 20, मीन्स 600 हुआ, है ना, हमने अभी 6 को सेपरेट कर लिया। अभी प्लस, अभी इस 2 के बाद आपको कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, यस 1 डिजिट दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद आप क्या कंसिडर कर सकते हो, 10 कंसिडर कर सकते हो। जैसे 20 यहाँ पे आता है फिर प्लस,
और 7 के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो आप इसको कुछ कंसिडर कर सकते हो क्या? नहीं, जीरो मीन्स कुछ नहीं, तो आप एज इट इज इस 7 को ऐसे लिख सकते हो। चलो अभी अपने टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान दो। देखो वहाँ पे आपको ऐसे लिखा लिख के दिया हुआ है कि नहीं? अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 60, 20, 7 ही क्यों लिखा, तो आप इसकी दूसरी स्टेप भी आपको मैं बताती हूँ कैसी होगी। चलो अभी इस 60 दिखाई दे रहे आपको यहाँ पे, तो अभी क्या करना है आपको, 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो भी करके देखते हैं हम, 6 × 100 कैसे करेंगे अभी हम? हाँ, 6 को पहले इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 0 के साथ मल्टीप्लाई करो? ओके, तो हमारी मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं देखो, 100 × 6। ओके, आप 2 digit मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ी है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। ओके, सो आपको सेकंड स्टैंडर्ड में 3 digit मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ना है, लेकिन हम इसको भी करके देख सकते हैं। ओके, सो 6 × 0, यस ऑब्वियसली 0 ही आता है हमें। डिवीजन में भी ऐसा ही होता है, 6 हो या कोई भी बड़ा नंबर हो, अगर 0 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। ओके, पहले हमने 0 के साथ 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 0। देन इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो सेकंड 0 के साथ, तो आपका आंसर 0 ही आता है। अभी 6 × 1 = 6 है ना, 6 का टेबल आपको 1 time बोलना है, तो क्या आता है, 6 × 1 = 6 मीन्स ये होता है आपका 60। देखो आया 60 है ना, 60 आंसर आपका आता है। मीन्स क्या किया हमने, 6 × 100 किया। अभी सेम इसके साथ भी आप करके देखो, टू इंटू टेन क्यों 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, इसलिए हम इसको इस 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको भी करके देखते हैं, 10 × 2। अभी इस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, यस हमारा आंसर आता है 0। एंड 2 × 1 = 2 मीन्स हमारा आंसर क्या आता है, क्या आंसर आता है हमारा, 20। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा 20, आया आपका 20 आंसर। ओके, नेक्स्ट अभी वंस ये जो 7 है यूनिट प्लेस पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हम? नहीं, अगर किया भी इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 × 1। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसके बाद 0 कंसिडर कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 × 1 मल्टीप्लाई, 7 × 1 = 7 आता है, यस। सो ये होता है हमारा 7। सो इसके बाद आपको क्या करना है, देखो पेज नंबर 50 पे सेम इसी तरह आपको सॉल्व करके दिया हुआ, वैसे ही थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक दे के मैंने आपको सॉल्व करके बताया, पर आपको समझ में आने के लिए ये इजी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मीन्स आपको क्या समझ में आता है, जो 60 627 है, अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमारा एक्सपांडेड फॉर्म एग्जैक्टली कैसे आता है? चलो बताओ मुझे एग्जैक्टली एक्सपांडेड फॉर्म, हमने तो सॉल्व करके बताया। अभी देखो पेज नंबर 50 पे आपको दिया हुआ है सेम जैसे मैंने ग्रीन बोर्ड पे सॉल्व किया है। ओके, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, चलो बताओ मुझे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 × 627 क्या आती है, इज 600 आते हैं। वैसे ही द प्लेस वैल्यू ऑफ 2
इन 627 इज 20. ओके नेक्स्ट द अभी हमें 7 का देखना है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 627 इज 7. ओके यहाँ तक आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली प्लेस वैल्यू इनकी क्या है. 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 600, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 20 और 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7. ये आपको समझ में आया होगा. ओके अभी इसको एक्सपांड कैसे किया हमने वो भी हमने देखा. अभी एग्जैक्टली हम एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे वो देखते. सो द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 627 इज 600 प्लस 20 प्लस 7. दैट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 627 नंबर. ओके इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है 627. इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या है 600 प्लस 20 प्लस 1. इस छोटी सी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मीन्स पहले ये नंबर आप ये रीत आपको समझ में आनी चाहिए बाद में आपको ये नंबर लिखने समझ में आता है. ओके मीन्स ये छोटा सा नंबर कैसे बना ऐसे 600 प्लस 20 प्लस 7. हम इतना लिखते हैं क्या नहीं ये जो 2 है इस 0 के पास शिफ्ट करते हैं. 0 में कुछ नहीं होता इसलिए हम इस 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं और ये जो 7 है हम इस 0 के पास लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 में कुछ नहीं होता इसलिए हम इतने बड़े नंबर को इस छोटे से नंबर में कन्वर्ट करके लिखते हैं. या कि बोलो ऐसे बोलो कि हम उस नंबर को ऐसे नेम भी दे सकते हैं 627 ऐसे हम उसको नेम भी दे सकते. सो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा. उसके साथ हम नेक्स्ट एक वन एग्जांपल लेते हैं उसी टॉपिक के साथ. वहाँ पे देखो पेज नंबर 51 पे भी वन आपको दिया हुआ है. सिंपल है क्या है 451 ये नंबर आपको दिया हुआ है 451. अभी हमें क्या करना है इसका एक्सपांडेड फॉर्म इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसकी प्लेस वैल्यू भी हमें डिनोट करनी है. तो प्लेस वैल्यू के लिए हम पहले एक टेबल राइट करते हैं. पहले एक्सपांडेड फॉर्म सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे. ओके सो इसका इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे फिर हम 451 चलो बता यस 400 प्लस 50 प्लस 1 मीन्स 100 की प्लेस पे है आपके 4 और 10s की प्लेस पे है आपके 5 और 1s की प्लेस पे है 1. दैट इज द प्लेस वैल्यू एंड दिस आर द एक्सपांडेड फॉर्म. ओके आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि इस टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में टू वेज है एक्सपांडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू सॉल्व करने के ये मैंने आपको अच्छे से समझा के दिए. तो इसके रिलेटेड इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसमें भी आपको दिया हुआ है. बट हम नेक्स्ट क्लास में छोटा सा वन टॉपिक है ऑड एंड इवन नंबर ये छोटा सा टॉपिक भी पढ़ेंगे और उसके साथ जो स्क्रीन ये जो टू टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑड एंड इवन नंबर वो जो टॉपिक है आपका 52 पेज नंबर पे है. लेकिन ये जो टॉपिक ऑड एंड इवन नंबर ये टॉपिक एंड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के मैं आपको पूरे एग्जांपल भी समझा के देने वाली हूँ. ओके सो थैंक यू.